बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के हम डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि टाइप 5 का क्वेश्चन है या इक्वेशन है। x + 1 * 2x + 2 * 2x + 3 * 2x + 4 + 1 = 0। फिफ्थ जो टाइप है हमारे पास, फिफ्थ टाइप जो इक्वेशंस हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो ब्रैकेट्स हैं उनको रीअरेंज करते हैं, और उनकी रीअरेंजिंग में हम क्या कुलिया इस्तेमाल करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म्स का सम देखते हैं कहां पे सेम आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट है 1 और लास्ट जो ब्रैकेट है उसके अंदर 4 है, इन दोनों का सम आ रहा है 5। सिमिलरली जो बीच में दो ब्रैकेट्स हैं इनके कांस्टेंट्स का सम भी क्या आ रहा है, 5। So, इसका मतलब ये हुआ कि हमने x प्लस 1 और x प्लस 4 वाले ब्रैकेट को रीअरेंज करके साथ लिखना है। सो रीअरेंजिंग ब्रैकेट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सो x प्लस 1 के साथ हमने लिखना है x प्लस 4 वाला ब्रैकेट, और बीच में जो दो ब्रैकेट्स हैं x प्लस 2 और x प्लस 3 इनको एक दूसरे के साथ लिखना है, और प्लस 1 कांस्टेंट आकर पे आ गया और इज इक्वल टू 0 भी उसी तरीके से हमने शिफ्ट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, x प्लस 1 और x प्लस 4 इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स को और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बजाय हम चारों को मल्टीप्लाई करें। इट इज मोर डिफिकल्ट, ज्यादा बेहतर यह है कि हम क्या करें, दो दो का पेयर, सूटेबल पेयर हमने ब्रैकेट्स का लेकर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो x को x से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स x के, फिर पहले जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था मैं दोबारा लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, कि x प्लस a इंटू x प्लस b, यानी वेरिएबल x के साथ दो कांस्टेंट्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरिएबल x के साथ दो कांस्टेंट्स है 1 और 4, तो इनको फार्मूले एक्स स्क्वायर इंटू प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी से हम ज्यादा आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए प्लस बी और ए बी, यहाँ पे इस चीज को आपने गौर से देखना है कि ए प्लस बी में यहाँ पे आएगा 1 प्लस 4, क्योंकि ए 1 है बी 4 है, और साथ डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से एक्स पावर 1, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, यानी ए और बी, यानी इन दोनों कांस्टेंट टर्म्स 1 और 4 का प्रोडक्ट लेना है आपने। Similarly, same situation is in the next two brackets. X multiplied by x is x square, and then a plus b into x. A आपके पास आ गया 2 और b आपके पास आ गया 3, and then the product of these two constant is a multiplied by b, यानी 2 multiplied by 3, and then close the medium bracket and plus 1 is equal to 0. अब इनको simplify कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर उसी तरह से आएगा, 1 और 4 का सम 5 है, और ये 5 बाय x मल्टीप्लाई 5x, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 1 इज 4, एंड द नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर सम 5 और ये 5x मल्टीप्लाई होगा 5x, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कांस्टेंट टर्म इज 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, फार्मूले को यूज करने से हमारे पास बिल्कुल जल्दी से मल्टीप्लीकेशन हो गई, हमें वर्टिकल मेथड की तरफ नहीं जाना पड़ा। नाउ स्टूडेंट्स, हियर अगेन, जिस तरह पिछले पार्ट में हमने देखा पार्ट नंबर 13 में कि हमने इस प्रोसीजर को फॉलो किया था, तो उससे हमारे पास दो ब्रैकेट्स आए थे लेफ्ट हैंड साइड पर, और इन दोनों ब्रैकेट्स में खास बात यह है कि इसकी फर्स्ट टू टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, इसकी भी फर्स्ट टू टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, और इसी x square plus 5x की जगह हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, सपोज करना है y को। सो लेट x square plus 5x is equal to y। सो हमें क्या करना है, x square plus 5x की पर y रखना है। सो यहां पे आ जाएगा आपके पास क्या, y डॉटेड जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उस सारी दोनों टर्म्स की जगह पर आ जाएगा y, और साथ है प्लस 4, एंड सिमिलरली इस डॉटेड लाइन में जो दो टर्म्स उनकी जगह आ जाएगा वाई, एंड प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 6, और प्लस 1 जो है वो पहले से मौजूद है ब्रैकेट्स के बाहर, और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0।
नाउ फॉर वेरिएबल y यही फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं आप, x की जगह पर y प्लस a और y प्लस b, तो फिर जाहिर है y इंटू y y स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा y आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी हमें ये फार्मूला सपोर्ट करेगा कि y मल्टीप्लाइड बाय y इज y स्क्वायर एंड देन a प्लस b इंटू y एंड देन a into b, close the medium bracket, then plus 1 is equal to 0. Now a plus b, aapke paas a aa gaya 4 and b aa gaya 6, so a plus b is 4 plus 6 and ab is 4 multiplied by 6, very simple. Now y square plus 10y, 6 plus 4 is the sum is 10 and this 10 is multiplied to y, we get 10y and then 6 4s are 24, close the bracket and then plus 1 is equal to 0. Now students, open the bracket, positive sign hai throughout, so koi masla nahi hai isme, koi tension nahi hai, koi change nahi aayegi agar aap bracket hata dein to. Sum in dono like terms ka 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. नाउ स्टूडेंट इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं मिड टर्म को ब्रेक करके और अकॉर्डिंग टू फार्मूला भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप. सो फार्मूले के अगर अकॉर्डिंग हम जाएं तो देर आर टू परफेक्ट स्क्वेयर्स एंड मोस्ट प्रोबेबली इन बिटवीन जो टर्म है दोनों परफेक्ट स्क्वेयर्स के इट इज 2ab, इट इज 2ab. अब देखिए मैंने यहां पे दो स्पेसेस छोड़ी हैं, ये स्पेस इसलिए दिए मैंने ताकि आप इजीली जज कर सकें कि ए क्या आएगा आपके पास. अकॉर्डिंग टू अगर आप देखें फर्स्ट फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम पैक करके लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे कि हम इसको भी लिखने जा रहे हैं, तो आप देखें ए यहां पर आता है यहां से और बी आपके पास आता है यहां से. सो ए आपके पास यहां से आएगा वाई और बी आपके पास आएगा यहां से 5, और इसका प्रोडक्ट अगर आप लें तो 10y आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन थी ये वाली, इसको हम इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट फार्मूला शेप दे सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पैक फॉर्म जो होगी वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला होगी a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, जैसे मैंने यहां पे लिखा भी था थोड़ी देर पहले बोर्ड पर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a यहां से आ गया b यहां से आ गया इज इक्वल टू 0. Now students, y plus 5 whole square means के y plus 5 जो है उसको आप 2 times आपस में multiply करके लिख सकते हैं और यही आपके पास factors हैं, factorization complete हो गई है. इसी equation को आप 10y को mid term break करके 5y plus 5y से भी solve करते तो यही factors आपके पास either 5 plus 5 is equal to 0 or y plus 5 is equal to 0. Both are same. So student plan bajaye plus 5 ko hum to shift kare hum yahi pe likh dete hain put y is equal to jo humne value find ki substitute ki thi x square plus 5x square par y to hum wo return kar rahe hain. So kisi ek equation ko solve kar lein, dusri usi ko copy paste hai. So y ki hum kya jayega x square plus 5x plus 5 is equal to 0 और x square plus both are same, 5x plus 5 is equal to 0. किसी एक को सॉल्व कर लें दूसरा उसको कॉपी पेस्ट है. सो हियर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, a is equal to 1, b is equal to 5 and c is equal to 5. आप देख सकते हैं the coefficient of quadratic term is 1, the coefficient of linear term is 5 and the constant term is 5. और ये डिसीजन हमने क्यों किया क्वाड्रेटिक फार्मूले का, बिकॉज इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है. हाँ यहाँ पर 6 होता तो फिर पॉसिबल थी, लेकिन 5 है इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है. आप चेक कर सकते हैं जो रफ वर्क वाला प्रोसीजर मैंने आपको बताया हुआ है. सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर वेरिएबल x, इट इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b square minus 4ac whole divided by 2a. So x is equal to minus 5. क्योंकि पास के वैल्यू है तो ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है.
और फिर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू ए इनटू सी, ए इज 1 एंड बी इज 5, सो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ ए, ए इज 1, सो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 20, 5 का स्क्वायर 25 और 5 4s आर 20, 4 ac का प्रोडक्ट और 2 1 इज 2, सो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, 25 में से 20 माइनस किया तो 5, यही सेम आप यहीं से फाइव कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और फिर देयरफॉर सॉल्यूशन सेट यहां पे भी आपके पास अल्टीमेटली x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 ही आएगा, लेकिन सॉल्यूशन सेट के अंदर आपने चारों नहीं लिखनी है, चार दफा चार रूट्स नहीं लिखने, इसका आपने माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 सिर्फ ये दो रूट्स लिखने हैं, क्योंकि अगर आप ये भी लिख देते हैं तो ये इसकी रिपीटेशन हो जाएगी, और सॉल्यूशन सेट है तो सेट की डेफिनेशन देती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट स्टैंड्स फॉर डिफरेंट, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो फिर आप इन दोनों को अगर लिख लेंगे तो ये डिफरेंट नहीं होगी एक दूसरे से, सो सेट की डिफिनीशन की वायलेशन होगी, सो दैट्स व्हाई इन दोनों में से कोई एक आप उठा के यहाँ पे लिख लेंगे। सो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 14 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज डन फॉर यू, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ समझ आई होगी। प्लीज डू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल लर्निंग विद शाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।